क्या नाम है? सारता जी। कहाँ से हैं? उस्मानी से। कैसे जली हैं आप? क्या हुआ, क्या था? मेरे खावंद ने आग लगाई थी मिट्टी का तेल डाल के। अभी आप कहाँ रह रही हैं? मैं अपने अम्मी अबू के घर। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। जब उसने मुझे जलाया था तो एक बेटा मेरे पेट में था, उस जलने के 1 माह बाद पैदा हुआ था। 2 साल हो गए मुझे, ना कभी उसने मेरा पता किया है, ना देखा है, उसे जलाया और छोड़ दिया। मेरे अम्मी अबू ने मेरा इलाज कराया मांग मांग के। आप पिछले साल यानी 2012 में जब कैंप लगा था, यहाँ ही एक ऑपरेशन पहले हुआ था, जो दूसरा ऑपरेशन हुआ जी, यहाँ क्या खर्चा हुआ? जी कोई खर्चा नहीं हुआ मेरा। पहले मैं ना इस्लामाबाद गई थी तो कब लेस वालों ने मुझे 2 लाख रुपया मांगा था ऑपरेशन का। ये मेरी गर्दन यहाँ पे जुड़ी हुई थी पहले पिछले साल, तो फिर मेरे पास 2 लाख रुपया नहीं था, तो अबू ने मेरे अबू को कहा था रहने दे आप मेरा ऑपरेशन ना करवाए, तो कहते थे मैं ज़मीन बेच दूँगा। मैंने कहा था नहीं, मैंने नहीं करवाना। तो फिर ये कैंप लगा तो मेरे फ़ोन पे मैसेज आया, तो हम यहाँ पे आए, फिर मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं ठीक हो गई। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो अब दोबारा हुआ है। बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी जब मैं जली थी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। तो अब मेरे ऑपरेशन करवाए हैं तो दोबारा जीने की ख्वाहिश पैदा हुई है। मैं अपने बच्चों को तो संभाल सकती हूँ, उन्हें खाना बना के दे सकती हूँ, उन्हें देख सकती हूँ। पहले बच्चे भी मेरे किसी के मोहताज थे, मैं भी मोहताज थी। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि आया रख के उनके सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता जाती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज ठीक हो गई हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा एक ऑपरेशन बाकी है बाजू का, तो बाजू मेरा सीधा नहीं होता, तो कहती हूँ कि अगर अगले साल ये टीम दोबारा आए तो मेरा ये ऑपरेशन कर दें।